करवा चौथ को लेकर एकता महिला समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सोमवार को महिला समूह की महिलाओं ने हल्दी कुमकुम की पूजा रखी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ एकता महिला समिति द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी निरंतर किया जाता रहा है, जिसमें समूह की हजारों महिलाएं शामिल होती हैं। तीज पर्व, रक्षा बंधन और नवरात्र के बाद अब करवा चौथ को लेकर एकता महिला समूह की महिलाएं अध्यक्ष राजू चंदा के नेतृत्व में सोमवार से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सोमवार को हल्दी कुमकुम की पूजा रखी गई। हल्दी कुमकुम का आयोजन सभी वार्डों में किया जा रहा है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में पूजा आयोजित की गई। करवा चौथ में थाली, कटोरी और ग्लास सजाने को लेकर भी महिलाओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बाजार में करवा चौथ में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां काफी महंगी होती हैं। इन्हें महिलाओं से ही एकता महिला समूह द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। इन सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एकता महिला समूह द्वारा स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इसमें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। करवा चौथ में दिए, थालियों की सजावट, दीपावली पर्व में सजावट इत्यादि का काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन सभी कार्यों में महिलाएं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते आई हैं। समूह की महिलाएं आज प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वह स्वावलंबी होने के साथ अपने परिवार के संचालन में आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रही हैं। विभिन्न स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ने बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं समूह से जुड़कर कार्य कर रही हैं। राजू चंदा ने बताया कि कामकाजी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण शिविर पिछले 2 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हमारे समिति में जितने भी जैसे एकता महिला समिति हमारा, उसमें हमारे करवा चौथ में पूरी महिलाएं जो हमारे वार्डों में हैं उन लोगों के लिए पूजा रखा गया है, कुमकुम पूजा, जिसमें सुहागन लोगों का होता है। तो हम सारी महिलाएं हर वार्ड में पूजा करेंगे, 3 दिन तक के हर वार्डों में जा करके हम पूजन अर्चन करेंगे। ये हमारा वहाँ का है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए जैसे बहुत सारा आयोजन करते रहते हैं। अभी बीच में हमारा राखी था, उसके पहले अभी माता का पूजा था, तो महिलाओं के साथ अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। तब ये सुहागन लोगों के साथ है, एक मौका मिला है बेटी लोगों के साथ रहने के लिए, पूजा करने के लिए। तो अब पूजा चालू है, 3 दिन तक करवा चौथ का सब लोग एक दूसरे से मिल के करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। जैसे कि घर से पुरानी थालियाँ और ग्लास कटोरी ले आइए, बच्चे लोगों को बोला है, बोला है कि आप लोग आकर के ले आइए घर से बना करके। और जो 1, 2, 3 में जिन जिन लोगों का वो होगा, जैसे अच्छा बनाए रहेंगे, तो उन लोगों के लिए हमारे तरफ से छोटी सी एक भेंट रहती है बच्चे लोगों के लिए। जो छोटी छोटी कन्याएं हैं जो सुंदर सा तैयार करती हैं, उन लोगों को हमने सिखाया है, पूरी महिलाओं को सिखाया है करवा चौथ का थाली और ग्लास कटोरी सजाना फ्लावर से। तो उसके बहुत महंगे मिलते हैं मार्केटों में। तो हमारा कहना था कि जो महंगे चीज़ों को ले करके बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ों में जो घर के चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनमें से वो बच्चे बना करके आगे जाएँ और अच्छा आगे करें। हमारे विधायक का भी यही कहना था कि बच्चे लोगों को जितना भी अगर हम कर सकते हैं महिलाओं के लिए ट्रेनिंग करा सकते हैं, जैसे सिलाई हो रहा था, पार्लर हो रहा है, तो अभी जो करवा चौथ का जो भी बनाना है, फिर दिया को डिज़ाइन करना, थालियों को डिज़ाइन करना, और जैसे दीपावलियों में जितने भी सजाने की चीज़ें हैं, वो सब कुछ जितने भी हमारे पास में जो जो हमने सीखा है वो सारे बच्चे लोगों को देना चाहती हूँ। किन किन वार्डों में सामान वितरित किया? हमारे मतलब अभी तो हमारे यहाँ 17 वार्ड चल रहा है, 17 से 20 चल रहा है। हमारे सेक्टर 10, सेक्टर 7, सेक्टर 2, सेक्टर 6, सेक्टर 5, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और उसके बाद में खुर्सीपारा में पूरे वार्डों में चल रही है। खुर्सीपारा में 11 वार्डों में चल रहा है। सब जगह अपना अपना सिलाई और पार्लर बहुत क्रेज़ होकर के सीखते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक नया चीज़ मिला है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। वो ये विधायक जी ने करके दिखाया है कि हर इंसान करने की अगर लगन हो तो करके दिखाते हैं, लेकिन इनके पास वो जो लगन था जो करने का, जो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा है। वैसे मैं भी वैशाली नगर में ही, हमारा बहुत पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अभी तक के कोई नहीं आते हैं, ना महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ तो सिलाई नहीं है, पार्लर नहीं। मैंने 2 साल से
खुद संघर्ष कर करके कर रही हूँ। यहाँ तक कि यहाँ पे एक भवन भी नहीं था वैशाली नगर में महिलाओं के लिए, जो हमारे इतना सारा कुरूद है। 2 साल पहले दिया था देवेंद्र यादव जी ने कि इसमें महिलाओं को सिखाइए, तो जब से सीख ही रहे हैं और हर वार्डों में चल रहा है, जैसे अभी बहुत सारे वार्डों में यहाँ भी चल रही है, तो उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। सारी बहनें भी धन्यवाद करना चाहती हैं कि हम ऐसे ही व्यक्ति महिलाओं के लिए जो सोचे। बहरहाल महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने एकता महिला समूह द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। महिलाओं से जुड़े विभिन्न पर्वों के दौरान भी विशेष तैयारी समिति की महिलाओं द्वारा की जाती है, जिससे इन्हें बाजार के भरोसे नहीं रहना पड़ता। महिलाएं स्वयं विभिन्न सामग्रियों को तैयार कर सजा कर उपयोग करती हैं, साथ ही दूसरी अन्य महिलाओं को भी इसे प्रदान किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।